वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डी फार्म बी फार्म पास आउट हो, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की सोच रहे हो, तो आपको निबंधन के लिए जो कौन कौन सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई करो कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्शन ना हो, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि आपकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको अटैच करनी है। इसके अलावा आपको इसके इसमें फ़ी कितनी प्रोवाइड करनी है, फ़ी कितनी आपको देनी है। इसके अलावे आपका जो एफिडेविट फॉर्मेट बनता है वो उसका तरीका क्या रहेगा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, सो इसी के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके कंप्लीट कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है जो रजिस्ट्रेशन में आपको मांगा जाता है। सबसे पहले निबंधन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र, आप देख पा रहे हो ये फॉर्मेट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे फर्स्ट नंबर पे है प्रिंटेड निबंधन फॉर्म प्राप्त करना और उसे भरना। तो प्रिंटेड निबंधन फॉर्म कहाँ आपको मिलेगा, तो ये बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में या फिर वहाँ पे एक बाहर में साइबर कैफे है, वहाँ से आप प्रिंटेड निबंधन फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होगी। सेकेंड नंबर पर आप देख पा रहे हो अनुलग्न IPO 1000, मतलब 1000 का इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो आपको बाकीपुर पटना से, जो बाकीपुर पटना वहीं बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जस्ट बगल में एक पोस्ट ऑफिस है, मेन ब्रांच है, वहां से आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर 1000 का ले लेना है, वहां पे आपको मिल जाएगा। जिस पे कोई भी इंडियन पोस्टल ऑर्डर लोगे तो उस पे लिखा रहेगा P2, तो P2 में आपको बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल पटना हिंदी या इंग्लिश में आपको लिखना है। पोस्टल ऑर्डर के नीचे एट द पोस्ट ऑफिस एट जहाँ लिखा होगा वहाँ पे आपको बांकीपुर पटना लिखना है, ठीक है, और नीचे दाहिने तरफ अपना पूरा नाम और पता लिखना है। नीचे दाहिने तरफ, आप एक बार रिपीट कर ले, जहाँ लिखा हुआ है एट द पोस्ट ऑफिस एट के नीचे बांकीपुर पटना लिखना है और नीचे दाहिने तरफ अपना नाम और पता लिखना है। इसके अलावा आपको दो अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फ़ोटो के पीछे अपना पूरा नाम लिख दें। अब शपथ प्रमाण पत्र मीन्स की एफिडेविट जो आपका कोर्ट या नोटरी से जो शपथ प्रमाण पत्र बना होगा वो एफिडेविट आपको इसमें अटैच करनी है। उसकी भी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कैसे आपको शपथ प्रमाण पत्र एफिडेविट बनवानी है। इसके अलावा आपको आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय जो ब्लॉक स्तर से बनता है या फिर जिला स्तर से बनता है, तो वो अटैच करनी है आपको। आधार कार्ड अपना अटैच करनी है। इसके अलावे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैट्रिक की आपकी जो मार्कशीट्स हैं, डिग्री प्रमाण पत्र है उसको आपको अटैच करनी है। ISC की भी मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्र जो बोर्ड के द्वारा मिला होता है उसको भी अटैच करनी है। इसके अलावे जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, डी फार्म कैंडिडेट हैं, वो डी फार्म फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है उसको अटैच करनी है, सेकेंड ईयर की मार्कशीट अटैच करनी है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपका जो है वो अटैच करना है। इसके अलावा डी फार्म के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोविजनल, एडमिट कार्ड, इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज द्वारा मिली गई है सारी इसमें अटैच करनी है। ये डी फार्म कैंडिडेट के लिए था। अब बी फार्म कैंडिडेट की बात करते हैं तो आपको अपनी मार्कशीट जो है फर्स्ट से लेकर 8th सेमेस्टर तक आपको अपनी मार्कशीट अटैच करनी है। इसके अलावा बी फार्म उत्तीर्ण डिग्री प्रमाण पत्र, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के फोटोकॉपी इसमें अटैच करनी है। इसके अलावा जितने भी आपकी प्रोविजनल वगैरह है सारी इसमें अटैच कर देनी है। अब इसके अलावा आपको जितना भी अपना डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे से पहले जाँच कर लें कि सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं, और सारी डॉक्यूमेंट्स आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे तो इसमें आपको अपने जांच की और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है उसको लगा के ही आपको इसमें सबमिट करना है। अब एफिडेविट के फॉर्मेट को जान लेते हैं कि एफिडेविट के क्या फॉर्मेट रहने वाली है, क्या फॉर्मेट से आप एफिडेविट बनवा सकते हो। तो एफिडेविट के फॉर्मेट सिंपल है, आपको पहले आई मीन्स आई मेक के बाद यहाँ आपका नाम रहेगा, सन ऑफ, यहाँ बीच में अपना पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, किस गाँव मोहल्ला में रहते, पोस्ट ऑफिस क्या है, इसके अलावा पुलिस स्टेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है बिहार में, इस तरह का फॉर्मेट आपको बनवाना है। इसके बाद डिक्लेयरेंस एज फॉलोज, इसमें फर्स्ट नंबर पे डैट आई हैव सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन है, डैट आई हैव पास्ट मैट्रिक इंटर साइंस एंड डी फार्म या बी फार्म एग्जाम, डैट इज़ माई डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिए, टाइप करा दीजिएगा।
आई हैव कंप्लीट माई हॉस्पिटल ट्रेनिंग या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो भी आपको लिखवाना है यहाँ पे। अगर आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग किया है तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग लिखवाइएगा, अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिखवाइएगा। डेट माई इंस्टीट्यूट कॉलेज इज अप्रूव्ड बाई PCI न्यू दिल्ली, ये आपको जैसे है वैसे ही आपको ये प्रिंट करा देना है। डेट आई हैव नॉट अप्लाई फॉर माई रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मीन्स कि आपने अगर दूसरे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा रखा है तो आपको बता यहाँ लिखवाना होगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपने कहीं दूसरे स्टेट में तो अप्लाई नहीं किया, तो आप इस पर टिक कर सकते हो कि डेट आई एम नॉट अप्लाई, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे 7 नंबर पे लिखना है कि डेट माई स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैंने सारी चीज़ें सही इन्फॉर्मेशन दी है, मेरे सर्टिफिकेट सारे जेन्युइन और करेक्ट है, और मेरे जो सर्टिफिकेट है अलीगल और गलत नहीं है, और बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल अगर मेरी कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत होती है तो मेरे रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है, ये मैं एक्सेप्टेबल हूँ। यही सब चीज़ों के साथ आपको ये टाइप करा लेनी है अपने कोर्ट में, पहले टाइपिंग होती है तो टाइपर से इसको टाइप करा लेनी है, और यहीं एफिडेविट आपको फॉर्मेट रखनी है। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक बार अच्छे से इसको मिला लो।